बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिह तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्मासूमीन अल्मुंतखबीन अल्मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ بالله من ازهر العجائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي बेअलीन 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 बेअली सलावत दुआ है परवरदिगार आलम बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए, इमाम हुसैन सरकार आजादारों की हिफाजत फरमाए। बड़े मुश्किल और हसास दिन है, इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादार मातमी पूरी धरती पे हुसैन बादशाह की नौकरी कर रहे हैं। मालिक हुसैन के अज़ादारों को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। कायनात का अल्लाह इस बच्चे के हाथ को शिफा अता फरमाए। मौला भाई इम्तियाज की वालदा को, मेरे वालिद को, दीगर बीमार मोमिनीन को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। सैयद इकरार हैदर की सेहत सलामती के लिए जो उनके मकासद हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। नाज़िम मिंबर जिस दुआ के लिए कह रहे हैं, मुसलसल मालिक की नौकरी कर रहे हैं, मालिक दुआ कबूल फरमाए। भाई हसनैन ने मुझे कहा है तबीयत नासाज है, अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इस्लाम बीमार तबीब हुसैन, कोशिश करूँगा किसी एक दिन ये नज़म हो जाए, चूँकि आज मौजू कुछ और है। मेरे भाई परदेश में मुश्किल में हैं, कारोबार में कोई परेशानी है, सिक्योरिटी की तरफ से ये दुआ आई है अल्लाह इनके भाई की मुश्किल दूर फरमाए। सिपाही अब्बास के बच्चे, सिपाही इमाम ज़माना के बच्चे जो सिक्योरिटी के हवाले से ढेर सारी नौकरी कर रहे हैं, इस अशरे में नहीं पूरे गुजरात में, जो जो बच्चे भी जिस जिस अशरे में भी सिक्योरिटी के निज़ाम संभाले हुए हैं, जहाँ जहाँ जो मजलिस भी हो रही है, मालिक सारे बच्चों की हिफाजत ज़रूर अमीन कहोगे मेरे अल्लाह। ये जो हाथ बुलंद हैं, कायनात की मालकिन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। जंजीर जन मातमी, तलवार के मातमी मौजूद हैं, अल्लाह मातमियों की हिफाजत फरमाए। ज़रूर अमीन कहना मालिक, बड़ा मुश्किल दौर है, हम वारिस के होते हुए बेवारिस हो गए हैं। हमारे वारिस हकीकी शहनशाह कायनात हुज्जत दौरा का जल्द ज़हूर फरमा। दरूद सारे मिलके बुलंदास। एक मातमी मुंतजिर मेहदी ने अब्बास किरदगारे वफा ताजदारे हर लर्जा है जिसके नाम से इतराफ है शर्कों पर जरबुल मिसल बनी थी जमाने में जिसकी जर जेर न कर सके जिसे हाथ सादे कर्ब अब्बास करबला में वो जौहर दिखा गया बूढ़े बहादुरों को अली याद आ गया। चले अल्लाह इज्जत दे जी, बूढ़े बहादुरों को अली याद आ गया। बाबा गाजी हिस्सा लेना जी, बिस्मिल्लाह आगे आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह पढ़ो दरूद मिलकर। जहन को साहिब एहसास बना देती है। अल्लाह अजीज मुंतजर की झोली आबाद फरमाए। अल्लाह अजीज इकबाल का भाई हॉस्पिटलाइज है सरगोदे में, मौला उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाए। एक मातमी की बच्ची के लिए मुर्शिद ने दुआ कराई थी, काफ़ी बेहतर हो गई है वो, अल्लाह उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जहन को साहिब एहसास बना देती है, फिक्र को जहन का कास बना देती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, तेरे काफिया पढ़ने की क्या बात है।
ज़हन को साहिब एहसास बना देती है, फिक्र को ज़हन का अक्कास बना देती है। फातिमा जहरा के बच्चों की गुलामी कर ले, ये वफादार को अब्बास बना। पुत्र जीवन तुहाडे मौला इज्जत देवे नासिर नूं, मौला इज्जत देवे तुहानूं। फातिमा जहरा के बच्चों की गुलामी कर ले, ये वफादार को अब्बास बना देती है। वो मुमकिनात का खालिक, वो दो जहां का खुदा। सिपाही अब्बास मैं जाके मिली है तो मैं खुशी बड़ी हुई है। तो मैं अज शायद गल ना ही करा, मैं कथा उतो कथा उतो कथा इन मेरा दिल पे कर दिया, अज मैं शेर ज्यादा पढ़ी जा। वो मुमकिनात का खालिक, वो दो जहां का खुदा, बगैर हाथ के उसका निजाम चलता है। हाँ शाह जी, इतने की आखा मैं दादा कि आखा की रोड़ रह गई मौसम पीर मैंने दसते से आया। हाँ, वो मुमकिनात का खालिक, वो दो जहां का खुदा, वो मुमकिनात का खालिक, वो दो जहां का खुदा, बगैर हाथ के उसका निजाम चलता है। और खुदा के बाद शरफ है ये सिर्फ गाजी का, बगैर हाथ के गाजी का काम चलता। जी कासिम, जी बेटा, वाह 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 वाह। जीवो मातमियो, मैं जितनी बारी चाहता जी हुक्म करो पढ़ता रहा। हाँ पाजी, वो मुमकिनात का खालिक, वो दो जहां का खुदा, वो मुमकिनात का खालिक, वो दो जहां का खुदा, बगैर हाथ के उसका निजाम चलता है। और खुदा के बाद शरफ है ये सिर्फ गाजी का, बगैर हाथ के गाजी का काम करता। चार में से और पढ़ दिया था। कल का यजीद खुश था ना, ये हाथ काट के। कुरान की कसम है, गली एडी वड्डी है पीर ज़ुल्फ़िया, मैं इस तो थोड़े लहजे च करा। ओ आखिरी हलाली तक गड़ा नौकर गाजी दा ना बोले, मैं कलम दे टुकड़े कर दिया। कल का यजीद खुश था ना, ये हाथ काट के। अब एक खौफ उसके मुकद्दर का साथ है, क्या हाथ हो गया है उमैया की नस्ल से, अब तो गली गली में ही गाजी का। जी पी रहा हूं। जी 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 ना यार, अल्लाह तो कबूल करी, अल्लाह शिफा दे ना यार। जी जी वो थोड़ी क्या बात है, मैनू वेखना है, मैनू वेखना चंद। अल्लाह इस तरह देनी, अल्लाह इस तरह देनी, इन हथा की खैर हो गए भाजी। अच्छा, हर ज़ुल्म की तकदीर है जकड़ी हुई इसमें, अब्बास का पंजा भी तो पंजा है अजल का। अब्बास का पंजा फिर छेड़िया ते उस्ताद जी ने, ते नाले उस्ताद ने, बुजुर्ग ने की करिए। अब्बास का पंजा भी तो ये है गाजी का पंजा, ये बिला तशबी। क्या कहा था अली ने खैबर में, नबी ने अली को बुलाते हुए, गदन रजुलन, कल मैं अलम मर्द को दूंगा। शादी की फायदा उस बंदे नू, शिया घर च पैदा हो जाने का, जिन समझ भी आई है तो चुप कर गया। तुहाडे क्या कहने, 14 की कसम है, तुहाडे क्या कहने, सिफता मैं नहीं बताई। जी बाजी जबान बदी कराओ, पता तो है तुम मर्जी आ ले, मदीने आ ही ना करो तो मदीने रहना, मैं गरीब टुर जाना। आहो लाओ तो यन राया था गदन। बाजी तुसी कदे गौर करो,
जब खैबर के माल की तकसीम की है ना नबी ने, हर सहाबी को एक किलो सोना दिया, अली को 2 किलो, हर सहाबी को जिंदाबाद तेरे सबसे तो सदके थोड़े आखण दे क्या कहने कितना ही काफी है, हर सहाबी को 1 किलो सोना दिया नबी ने। मैं थोड़ी गल का जवाब पे देना, जे तुसी अपड़ जाओगे, जे अपड़ोते, जे सफर करोते, अली को 2 किलो सोना दिया। मैंने आयतुल्ला शिराजी से आज से 22 साल पहले कहा, मैंने कहा जी मुनसिब मिजाज मोहम्मद है, आदिल नबी है, हर सहाबी को 1 किलो सोना, अली को 2 किलो, ये तो अजीब नहीं लगता? उसने कहा किस बात का अजीब लगता है, एक रात पहले मोहम्मद ने कहा नहीं है कल अल्लाह मर्द को दूंगा, शरीयत में मर्द का हिस्सा डबल होता है। मातमी पुत्र सिपाही अब्बास से हाथ उच्चे, जीवे तू वाह वाह, एक अलहदा गल है, फिर गल अगे तुर जानी है, मैं मौजूद तो हट जाना है कि इब्ने कसीर से लेके अबुल आला मौदूदी तक सब कुछ लिखना पड़ गया कि फतेह खैबर के दिन फातेह खैबर के घर फाका था। अदर जी एक औखी गल की है तो एडा जिंदा पिंडाल नहीं चुप कर गया, मैं आफ्ताब जिम्मेदारी कबूल की थी खलोता, फतेह खैबर के दिन फातेह खैबर के घर फाका था और अली की तलवार के सदके मदीने की गलियों में सहाबा के बच्चे सोने की गलियों से खेल रहे। ये मुर्शिद अली खैबर कमाल गरीबों यतीमों मस्कीनों में बांट के घर आ गए और कराओ हाँ, हाँ, अली खैबर कमाल गरीबों यतीमों मस्कीनों में बांट के घर आ गए। शहजादी मुमकिनात ने पूछा, मेरे लफ्ज नहीं, मौदूदी फरमाते हैं शहजादी मुमकिनात ने कहा, अबुल हसन क्या खैबर के माल से मेरे बच्चों का हिस्सा नहीं मिला? ज़ेरेला मुस्कुरा के रीने का, मिला था, मैंने फकीरों में बांट दिया। शहजादी ने दोनों हाथ उठा के कहा, अल्लाह आपको जराए खैर। ओए होए 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 होए, अल्लाह कामयाबियां दे, वाह वाह, अल्लाह हाँ गल बावे और आखिर अद्धा अद्धा गुजरात अद्धा मदीना ते आप जाकर हम गल खोली जाते हैं तो मैंने छेड़ी जाते हैं उन्होंने लफ्ज फिर आग फकीरों में बांट दिए। ये कोई अली ने नई बात नहीं की, नया काम नहीं किया। अगर अली को मोहम्मद खैबर में बुलाते हुए हैदर न कहता, अली कभी ये काम ना करता, इसलिए कि हैदर अरबी ग्रामर के रूप से उस शेर को कहते हैं जो शिकार करके हट जाता है बाकी दरिंदों में बांट देता है। हूं फिर जरा नहीं बोले है ना, तो वो 6 दिन आए ही नहीं मेरे से। शिकार करके अपने इर्द गिर्द खड़े दरिंदों में बांट देने वाले शेर को हैदर कहते हैं। हाँ, यही वजह है अली ने मरहब से भी यही कहा था, नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जबकि अरब के कवानीन में ये बात कोई अच्छी नहीं समझी जाती कि जंग के मैदान में माँ का नाम लिया जाए, अली ने जानबूझ के माँ का नाम लिया। मैंने कहा अली मैदान जंग है, सामने मुशरिक खड़ा हुआ और आप माँ का जिक्र कर रहे हैं। अली फरमाते तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मरहब को उसकी माँ ने मना किया हुआ है, सबसे लड़ना हैदर से नहीं लड़ना। जी सखियों, जी जी सखियों, मैं अपने मौजू पे आना चाह रहा हूं। बंजा और अजल, ये आपने पढ़ा था,
यहाँ से मैं मुड़ गया था। खसूसियात बता के पंजा बनाया है नबी ने खैबर में। लाओ ते यन्नर राया था गदन राजोलन, पहली कैफियत बताई है, पहली खासियत बताई है, मर्द को दूंगा करारन, करार को दूंगा गैर फरारन। बोला यार मैं आख्या ने मैं जरा दसी आलम पंजा बढ़ता कि मैं मैंने आख्या ने सिपाहियां तो मैं दसूंगा। लो तयन राया था गदन राजोलन करारन गैर फरारन युहिब्बुल्लाह व युहिब्बुर रसूल, अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा। युहिब्बुल्लाह व युहिब्बुर रसूल, अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे। यफ्तहुल्लाह अला यदै, अल्लाह उसके हाथों पे फतह देगा। ये पंजाब मैंने नहीं बनाया, ये पंजाब मोहम्मद ने बनाया। बाबा जी ये पंजाब मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बताया, ये पंजाब मोहम्मद ने बनाया है, मोहम्मद ने बताया है। गाजी का हाथ खुला है, ये है गाजी का हाथ, सदियों हो गई है गाजी का हाथ खुला है। मैं पढ़ने नहीं लगा था, बुजुर्गों ने कहा है क्यों खुला है, एक काज में भी बता देता हूँ, सदियों से है दुनिया को अबुल फजल की दावत। बेटे तेजी से आओ, बेटा तेजी से बैठो, सदियों से मुझे देखो, सदियों से है दुनिया को अबुल फजल की दावत। इस पंजे को पढ़ना के ये तारीख वफा है। हुण बावे उस्ताद जी तुसां ते मैं कल्ले रह गए, सिर्फ तुसी बोलो मैं तां वी राजी हां। सदियों से है दुनिया को अबुल फजल की दावत, इस पंजे को पढ़ना के ये तारीख वफा है, तारीख वफा है, तारीख वफा है। जड़े चिट्टिया दाड़ी वाले बुजुर्ग बैठे मिन्नत करता पे पुत्र बन के, वह मैं दुआ करते इस पंजे को पढ़ना के ये तारीख वफा है। और जो शख्स वफा सीखना चाहता हो वो आए, मायूस न जाएगा, मेरा हाथ खुलाए। सलाम है तुसा बुजुर्गों, सलाम है तुसा बुजुर्गों। पहली बारी मैं जवाना से कोई गिला नहीं, मैं गल ही बुजुर्गों नाल कीती है। आखिरी नौकर गाजी दा बोले हाय दरी, जी मैं तू जी वो तुहाडे क्या कहने। हाथों से दर खुद अपने खजानों के बाकी अब्बास वो सखी है कि दुनिया में दीन को हाथों समेत भीत में बाजू अता किए। बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना। उस्ताद जी ना छेड़ो, थके बुढ़े बंदे हो, चली जाते हो बादशाह बुढ़े बंदे हो, की कर दे हो। बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना, बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना, अब्बास और हुसैन का सदियों का साथ है। आओ आओ आओ, आओ गुजरात वाले हो ना छेड़ो यार, मैं स्कूल में पढ़ी जाना। बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना, बाहम बता रहे हैं अलम और जुलजना, अब्बास और हुसैन का सदियों का साथ है। गोली अपने सीने पे लूंगा मैं, जिसे डर लगे बिल्कुल बाहर चला जाए। और जा लगे हुए हैं ये पंजे, इसीलिए गाजी का हर यजीद की गर्दन पे। जरा जवान डर गया हो बंदा रहने दे, ये पुत्र जी हूं तोड़े और चिड़िया दारिया ने बुजुर्गों के हाथ से मैं नौकर है सैयद, मैं नौकर है सैयद। अच्छा तामील होई, तामील होई हक अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन आमीन। आमीन रबाब ने उस बच्ची का मजर एक मातमी मुल्तान दा ते रज के जंजीर मारदा सोना करके ओदी बच्ची हो ते दुआ करे जे गाजी ओनू शिफा देना।
सखी लाल दे सनारे दे सदके उनु शफाए कुली हो जाए। जा जा लगे हुए हैं ये पंजे इसीलिए। हाय 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 हाय, गाजी का हर यजीद की गर्दन। आइए गल की जो अब्बास भी है अपने मोहम्मद का मुहाफिज। उस बंदे पे नाराज हो गया हूं मैं जिसे अपना मोहम्मद अदर समझ आया और वो नहीं बोला, उसने दुखी किया इम्तियाज शाह मुझे। अब्बास भी है हसनैन में प्याना, अब्बास भी है अपने मोहम्मद का मुहाफिज, अब्बास भी है अपने बाबा जी, अब्बास भी है अपने मोहम्मद का मुहाफिज। चेहरे से अलमदार लगे शेर चली भी, एक जस्म में दो रूप, एक जस्म में दो रूप दिए इसको खुदा ने, एक वक्त में गाजी अबू तालिब भी अली भी। पंजाबी मां बड़ा नहीं महसूस में होता। जी मुर्शद, जी मुर्शद। एक जिस्म में दो रूप दिए इसको खुदा ने, एक वक्त में गाजी अबू तालिब भी। चार शेर और पढ़ लिए बाबा, इन मूड ही बने खड़ोता। जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है, रोज तुसा मैं छेड़े बाबुल फीशा, रोज तुसा बिच बंदे नु आख्या हुण तू अद्धे घंटे बाद देने, पैंती मिनट बाद तू करी होए, अज मैं तुहानू पै छेड़ना। मैं काफिया पढ़ने ही नहीं, जिथे आखिरी बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे ने, जिथे आखिरी हलाली खलोता है, इन्हें काफिया पढ़ना है, तो मैं कोई पढ़ना नहीं, तो मैं कोई पढ़ना ही नहीं। मैं प्याना जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है, उसमें जहरा की दुआओं का है गल आई ना, ये ना याद गल आई ना। हाँ हूँ मेरा अंदर ठरिया, मैं मोहसिन बाबा अंदर हूँ। हाय दरी पापा के पास बैठे रहे, हाय दरी। जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है, जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है, उसमें जहरा की दुआओं का असर आता है, असर आता है। दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का आलम, पास आते नहीं अब तक उन्हें डर आता। हाँ मुंतजिर, हाँ बेटा तुहाड़ी क्या बात है, पुत्रा हूं जी, जी चाचा जी, जी चाचा जी, जी अल्लाह इस्ता देनी, अल्लाह पुत्र नु शिफा देनी। जी बेटा, पास आते नहीं अब तक उन्हें, नहीं यही नहीं कहा था गाजी ने 10 लाख में, क्या कहा था अब्बास ने जब अली काली बेटा 10 लाख में आया है, तो लफ्जे क्या थी गाजी की, फरमाते क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हो वरना। ओहो हो हो अगर तुमने बंद और पाबंद दोहरा के मुझे जो खुशी दी है, मैं तुम्हारा मकरूज हो गया हूँ यार आज। फरमाते हैं क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ वरना, दिखलाऊ मैं कर्रार का खैबर में उतरना। चाचा जी, जी बुजुर्गो सलाम करे शत्रु, सामने बैठे ने चिट्ठी डाली है हाथ थे कालांदर। तुहाड़ी क्या बात है, क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूँ वरना, दिखलाऊ मैं कर्रार का खैबर में उतरना। जिस समझ से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। 14 सदियों पहले अली के शेर ने कह दिया था, वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में, अभी से कांपोगे ना गुजरोगे आलम वाली गल। जी जी, आखिरी हाथ, आखिरी हाथ, जड़ा नौकर है गाजी दा, जड़े नौकर है गाजी दे, हाथ चालो। हाय दरी, सदके जा, सदके तुसी जीवो पे, तुहाडे पुत्र जीवन, तुहाडियां नसलां जीवन। वो खौफ जी, जितनी बार भाजन कहे वो खौफ बिठा दूंगा, दुआ तो करते पे हो, वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में, अभी से कांपोगे ना गुजरोगे आलम वाली गली से। जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है,
उसमें जहरा की दुआओं का असर रहता है। दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का आलम, मैं बेसुरा इस तो दूर पढ़ नहीं मिल सकता। दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का आलम, पास आते नहीं अब तक उन्हें डर रहता है। हर दुश्मन हुसैन से कह रू अब भी झुक जा, मेरे अब्बास के परचम के तले शाम को सुबह का भूला भी तो घर। जी बुजुर्ग, जी 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 मुर्शिद, ओ मातमी पुत्र, ओ मातमी पुत्र, ओ हाथ चालो मातमी पुत्र, बोलो हाय दरी। तुहाडे क्या कहने बेटा, तुसी जीवो, तुसी जीवो, जीवो पे। अल्लाह अकबर। अब भी झुक जा मेरे अब्बास के परचम के तले, शाम को सुबह का भूला भी तो घर आता है। घर आता है, डर आता है, डर आता है। देखते ही ये अलम मुझसे नुशहरी बोला, तेरी छत पर मेरा भगवान उतारा था। वाह वाह जी बाबा, जी जी बाबा जी, मैं सदके जावा तुहाडे तो। हाँ हाँ, तेरी छत पे देखते ही ये अलम मुझसे नुशहरी बोला, तेरी छत पर मेरा भगवान, तेरी छत पर मेरा भगवान उतर आता है। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया। ओए होए 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 होए, और जिस बंदे नु पता ही नहीं मैं शेर की शैवे, उन्हें मेरे की दाद देनी यार। मैं पहला कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, जख्म खाकर भी वो करार नजर आता है। जख्म खाकर भी वो करार नजर आता है। बाबा जी करबला गांव में शादियां दीवारों ते मैं लिख छड़े है शेर, कुरान की कसम है 10,000 बंदा लाहौर च खड़ो रहे तुहाडे पुत्र दे को मैं नहीं पता किन समझ आवे के ना आवे। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया, जख्म खाकर भी वो करार नजर आता है। शाम की फौज को ये बात तो मालूम न थी, उसको बेहाथ भी लड़ने का हुनर रहता। पुत्र जीवन तुहाडे, पुत्र जीवन तुहाडे, ओ चिट्टियां दाड़ियां वाले ओ, गाजी दा सदका नसरा जीवन तुहाडियां। हाय दरी, तेरी जवानी सलामत, तेरी जबान सलामत। शाम की फौज को ये बात तो मालूम न थी, उसको बेहाथ भी लड़ने का। थकना नहीं बाबा इम्तियाज शाह, क्यों तो मैं नहीं थकना, फिर तुसा क्यों थकना, तुसी भी करारे शरारे कीते करो। हाँ, शाम की फौज को ये बात तो मालूम न थी, उसको बेहाथ भी लड़ने का हुनर आता है। आज बोल, आज आज बोलना शुरू करते ही मुका दे सारी सारी दिहाड़ी, सारी रात मुका दे, सवेर तक बोलता रहो, तां जाके तेरे अंदरों मुझसे बनेगा भई यार हुण शौकत दी दात पूरी हुई है। जब कभी रोजा अब्बास से गुजरे बादल, फिर गरजता नहीं चुपचाप गुजर। चल बाबा जी इस जज्बे ते खलोते हो तो फिर मैं बुखल ना करूं। 37 हिजरी सिफीन के मैदान में अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब ने ऐलान फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। जियो जियो, और नौकर गाजी दे जीवो, जड़े खड़े हो यार उतो आवाज करो ना जी, काजी जीवो पुत्र। हाय दरी, 37 हिजरी सिफीन के मैदान में अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब ने ऐलान फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन आगे बढ़े,
हसन कहते हैं बाबा मैं लड़ूंगा, हुसैन कहते हैं बाबा मैं लड़ूंगा, अली बेटों का मुंह चूम के फरमाते हैं मैंने कहा मेरा कौन। क्या बात है सूबेदार साहब, मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा। हसन कहते हैं बाबा क्या मतलब, अली फरमाते हैं मेरा ऐलान फिर से सुनो, तुम तो मुबहला से मोहम्मद के हो, मैं अपने गाजी, तुम तो जी सलाम है तेनू, तुम तो मुबहला से मोहम्मद के हो, मैं अपने गाजी की बात कर रहा हूँ। हसनैन पीछे थे, अब्बास आगे बढ़े, वफा के परवरदिगार के दोनों हाथ जुर्रत के परवरदिगार के कदमों, वाह 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 मदीना जियो मदीना, पूरा मुल्क मैं दा देंदा, मैं तो अंदाज नहीं जाना कुरान की कसम, वफा के परवरदिगार के दोनों हाथ जुर्रत के परवरदिगार के कदमों पे आए, अब्बास अली के कदमों पे हाथ रखे, आयशा से कहते बाबा मेरा दिल है मैं लड़ूं, अली फरमाते दिल मेरा भी यही है कि तू लड़े, दिल मेरा भी यही है कि तू लड़े, लेकिन मेरी एक शर्त है, लड़ना यूं है किसी को पता न चले बाप था या बेटा। मैं राजी हूं तो अड्डा नहीं पता लगा, अली फरमाते दिल मेरा थक तो नहीं गया भाजी, अली फरमाते दिल मेरा भी यही है कि तू लड़े, लेकिन मेरी एक शर्त है लड़ना यूं है, अल्लाह करे मैं तेरा दूसरा हाथ भी उठता देखूं, हाँ दिल मेरा भी है कि तू लड़े, लेकिन मेरी एक शर्त है लड़ना यूं है किसी को पता ना चले बाप था या बेटा। अब्बास कहते बाबा आप इजाजत तो दे मैं यूं लड़ूं कि दुनिया से फैसला ही ना हो मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली। वाह वाह बुजुर्ग कि सुनी जा दें कुरान की कसम, कि बेसाखता हाथ चाहते हो, अली फरमाते इजाजत है तुसी जी वो मेरा पुत्र जवानियां मानो, असि तो बुढ़े हो गए तुहाड़ियां जवानियां सलामत रहन, आमीन नजरे बद तो मातमी महफूज रहन। अली कहते इजाजत है, अब्बास कहते नहीं सिर्फ इजाजत नहीं, एक मेहरबानी और करे, अब अपनी दे कबा अपनी दे, इमाम अपना दे, नालेन अपनी दे, रहवार अपना दे, तलवार अपनी दे, जिला अपनी दे, नकाब अपना दे, तलवार अपनी दे, नकाब अपना दे, पैराहन अपना दे, दुआ अपनी दे, बेटे का मुंह चूम के फरमाते अबा ले जा, कबा ले जा, इमामा ले जा, नालेन ले जा, रहवार ले जा, तलवार ले जा, जिला ले जा, पैराहन ले जा, नकाब ले जा, दुआ की तुझे जरूरत ही नहीं, तो उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ। ओ सदके ओ सदके ओ सदके जिंदगी होगी तुसी जीवो तुहाड़ी क्या बात है, दुआ की तुझे जरूरत ही नहीं, तू उसकी दुआ है थक गए हो, दुआ की तुहाड़े क्या कहने, दुआ की तुझे जरूरत ही नहीं, तो उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। 37 हिजरी सिफीन का मैदान, 11 साल 7 माह का गाजी, शबाब की दहलीज पे गाजी का पहला कदम, अब्बास की जिंदगी का पहला हमला, तौहीद से लेके इमामत तक सबकी आंखें अब्बास के हमले पे, तौहीद से लेके इमामत तक सबकी आंखें अब्बास के हमले पे, अली ने बेटे को अपने हाथ से अली बनाया, थकना नहीं मैं गाजी पिया पढ़ता, ते गाजी दे नौकर बुढ़े बोलते पहने जवान बोलो, अली ने बेटे को अपने हाथ से अली बनाया, अली बना के रहवार पे बिठाया, रहवार पे बिठा के मैदान जाने की इजाजत दी, अली की जीरा अब्बास के बदन पे आई, लोहे की मजबूत जीरा थी, अली की जीरा अब्बास के बदन पे आई, अब मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, अली की जीरा अब्बास के बदन पे आई, लोहे की जीरा थी, अली की जवानी का अख्ताम है, अब्बास की जवानी का आगाज है, अली के शबाब की इंतहा है, अब्बास के शबाब की इब्तदा है, किसी देखने वाले तंज करके का गाजी जीरा तो बड़ी है, फरमाते कितनी बड़ी है, उसने कहा एक बालिश्त बड़ी है, जितनी उसने गई थी उतनी काट के जमीन पे फेंकी, फेंक के फरमाते अब पूरी है, अब पूरी है, अब पूरी, अल्लाह ना करे कोई शिया ऐसा हो जिसके पास जुबान हो और वो न बोल के मुझे दिखो करे, अब पूरी है, उसने कहा गाजी तूने ये क्या किया, ये तो दाऊद नबी का मौजजा है, अल्लाह ने उसके लिए लोहे को मोम किया था, तूने कैसे कर लिया, गाजी जलाल में आके फरमाते जाहिल दाऊद मेरा नाम लेके करता था, मैं जीवो माशा तक जीवो, फरमाते जाहिल दाऊद मेरा नाम लेके करता था, मैं खुद कर रहा हूं, ये कहा और चले मैदान जंग की तरफ,
अली का एक पुराना दुश्मन करीब आया, उसने कहा अली मेरी बात सुन, बाबा जी कुछ 40,000 मेले सुनी होगी ना तुसी किस आकर तो, ते एक दिन तुहाडे हिसाब दा ना पड़े, तुसी निकलदे ही कहंदे रह गया, अज लभे ही नहीं, मैं भी अज वेखणा इहनां चों किहड़ा रह गया। उसने कहा अली मेरी बात सुन, फरमाते फिर कहो, उसने कहा अली मेरी बात सुन, फरमाते फिर कहो, उसने कहा अली मेरी बात सुन, फरमाते फिर कहो, उसने कहा बार बार क्यों कहते हो फिर कहो, फरमाते जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अली कहा, बड़ा मजा आ रहा है, आए हाय आए हाय, सदके 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 अजीब पुत्रा हाय अली, फरमाते अल्लाह इस्ता देने अल्लाह इस्ता देने, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अली कहा, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, क्या बात है। कहता मैं भी हूँ, मेरे 17 बेटे भी हैं, पहले हमसे लड़ो फिर बाकी लोगों से। गाजी फरमाते बेटे प्यारे नहीं, बाबा जी जी मेरा माहौल है ना, मैं गल खुली नहीं जी करनी, अपड़ गया जड़ा अपड़ गया, नहीं तो दाद बड़ी हो गई। बेटे प्यारे नहीं, प्यारे हैं तेरे नहीं, मैं पहले आख्या मैं जेड़ा अपड़ गया अपड़ गया, बेटे प्यारे नहीं प्यारे हैं तेरे नहीं मेरे हैं, फिर मौत के मुंह में क्यों रहता है, फिर मौत के मुंह में, कहता नहीं पहले हमसे लड़ो फिर बाकी लोगों से। काजी फरमाते मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई है, मेरे लड़ने के चार मिजाज हैं, यो टाइम है जिस टाइम वास्ते मैं आख्या सी मैं वेखांगा केड़ा रह गया। कहता पहली लड़ाई है, आपने तो खैबर लड़ी, तेरी क्या बात है, तुहाडे इन जवान हथां दी क्या बात है। कहता पहली लड़ाई है, आपने तो खैबर लड़ी है, आपने तो खंदक लड़ी है। अब्बास फरमाते तूने पहचानने में देर की है, हूं अली हूं छोटा। सदके 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 सदके, मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई है, मेरे लड़ने के चार मिजाज हैं, जो तुझे पसंद हो तू बता मैं वैसे लड़ूं। कहता क्या मतलब। काजी फरमाते तू कहे तो मैं हाथ से लड़ूं, तू कहे तो मैं आंख से लड़ूं, तू कहे तो मैं तलवार से लड़ूं, तू कहे तो मैं जुबान से लड़ूं। कहता नहीं समझ आई। अब्बास फरमाते तू कहे तो मैं हाथ से उठा के इन्हें हवा में फेंक दूं, कहो तो तलवार से इनके टुकड़े कर दूं, कहो तो आंख भर के देखूं मेरी आंख के जलाल से मर जाए, कहो तो जुबान से कहो मर जाओ इन्हें मौत आ जाए। जी भाईजान जी जी वो भाईजान अल्लाह साथ सलामत रख लें जरा बेसाखता उठा है, अल्लाह करे हाथ किसी जगह नीवा ना करना पवे। मातमिया दे हाथ, मातमिया दे हाथ उच्चे उच्चे हाय अली। मेहरबानी मेहरबानी, दुआवां दा शुक्रिया, चोली फैला के दुआ की थी, मैं दे बदले तेन दुआ ही कर सकदा, नस्लां जीवन तेरी अल्लाह इस तरह दे। हां तू कहे तो मैं जुबान से को मर जाओ इन्हें मौत आ जाए। कहता है हाथ से लड़ो। अली का शेर रहवार से नीचे उतरा, हाथ मिलाता गया ऊपर उठाता गया, हाथ मिलाता गया ऊपर उठाता गया, 17वां ऊपर जा रहा था, पहला नीचे आ। जी सर जी हाँ, शायद यही विलासी है, 17वां ऊपर जा रहा था पहला नीचे आ रहा था, 17 के 17 वासे ने जहन्नम करके इतना बड़ा हमला किया अली के शेर ने, कम से कम 40 ज्यादा से ज्यादा 400 कतारें बन गई भागने वालों की, कोई यहाँ से भाग रहा है, 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 हर भागने वाला दूसरे से कह रहा है भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली। ओ मदीने वालों तू बोल ना बोल, तेरे पीछे भी अली। हर भागने वाला दूसरे से कह रहा है भाग पीछे अली है। दिन गुजर गया, रात हो गई, 1,80,000 खेमा, 2,80,000 कलश्कर, हर खेमे से आवाज आ रही थी आज मेरे पीछे अली था, मेरे पीछे भी अली था, मेरे पीछे भी अली था। जब हर तरफ से आवाज आ रही थी अली था अली था अली था अली था, उस वक्त अली अब्बास को उठा के सीने पे सुला के गाजी का मुंह चूम के मुस्कुरा के फरमा रहे थे, ऐ बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, शेर खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मन से करा दी।
जी वो तुहाडे क्या कहने, सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूं। वाह ये सारे फजाइल चलाउंदा रही, ये वास्ते की मुसाफना। सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूं, फिर हो के अश्क बार कहा मैं यतीम। वाह सैयद वाह, सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूँ। अलम बरामद होना गाजी का, तो ये सिर्फ अलम नहीं है, ये जनाजा है अब्बास का। आगे तेरी मर्जी तो जैसे हो। हसन हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं, बतूल का बेटा यही है जिसका अलम है, जिसने बतूल को शादी राजी करना है उसने गाजी को आज रोना है। सर से रिदा उतार कहा, शाबाश बेटा, अल्लाह तेरे भाई को जिंदगी दे, इस लम्हे का सदका अल्लाह तेरे भाई को शिफा दे। सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूँ, फिर हो के अश्क बार कहा मैं यतीम हूँ। करबो बला में जीन से अब्बास जब गिरा, जैनब ने पहली बार कहा मैं। पढ़ गया जो मैं मुसाहिब उतर जीवन तुम्हारे मातमिया दे, इन कौन मातम करता है, है? वाह कासिम वाह, अल्लाह दुआई कबूल जी। जिन्नी वाली आंखों चाचा जी, सैयद जो मैं नौकर जो हूँ, अदादार जो मातमी जो। करबो बला में जीन से अब्बास जब गिरा, जैनब ने पहली बार कहा मैं यतीम। सब तो निकल जाके रहा इमाम हुसैन दा, हर मातमी दी जुती तले जड़ा ना आयो शौकत रदा। पाका दी कसम है मातमी सरकार दे मैं दुआ पे करदे ने जीवे, मैं मालकन गवाह बना के पे आखना, कम से कम बेटा जी 72 शहीद है करबला में। मां मोहसिन जी आज मैं सवेरे जुमला आके आया, अच्छा फिर कहूं, सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूँ, फिर हो के अश्क बार कहा मैं यतीम हूँ। करबो बला में जीन से अब्बास जब गिरा, और सला सैयद का हाथ, हाथ गाजी का वास्ता पकड़ लो। अभी तो मैंने 10 मिनट और पढ़ने, कैसे सुनोगे? करबो बला में जीन जी बाबू समझा, अल्लाह तारी दिया जिंदगी करे। करबो बला में जीन से अब्बास जब गिरा, जैनब ने पहली बार कहा मैं। कुरान की कसम है, बाबा इम्तियाज़ 28 रजब को चली अली की बेटी मदीने से, 2 दिन रजब के, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहज, 2 मुहर्रम, 5 महीने कुछ दिन के बाद पहुंची है। 5.5 महीने में पूरे सफर में हर बीबी कहती रही हमारी चादर का क्या होगा। मौसम जा, हर बीबी से अली की बेटी कहती रही मेरा अब्बास नहीं जा रहा, मेरा अब्बास तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, गाजी के होते हुए पूछ रही है चादर का क्या होगा। जब तक मेरा अब्बास जिंदा है मैं चादरों की निगरान हूँ। अपनी मर्जी से तूने मातम किया था, इस जुमले पे मैं कह रहा हूँ हाथ मारना अगर समय आ जाए। इधर इतला दी फिजा ने, अब्बास जीन से उतर गया, उधर अली की बेटी ने चादर गले में डाल के एक एक खेमे में जाके कहा मुझे माफ कर देना, मैं अपनी जमानत वापस लेती हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कहती रही हूँ मैं चादरों की जमीन हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, चादरें जाने, शामे गरीबा जाने, शेमर का नेदा जाने, अकबर का कातिल जाने, तुम्हारे जख्मी सर जाने, मैं कोई या जहरा, या जहरा, या जहरा। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से 2 जुमले ही पढ़ने, मैंने हो गया कयामत खेज मातम। सामने से अलम बरामद होगा ना बाबा जी? हाँ, मैं कहूँगा जरा आराम से, जिन लोगों ने अलम लाना है वो यहाँ साइड पे आके खड़े हो जाए, उनकी मेहरबानी होगी, जब मैं कहूँ तब सामने लाइएगा, जल्दी नहीं करनी, लेकिन जब मैं कहूँ तब ले आइएगा, ताकि मैं एक जुमला समझा लूँ। कम से कम 72 शहीद हैं करबला के मैदान में,
जाम जाफरिया गुजरांवाला से लेके कौम नजफ शाम जहां जहां मैं पढ़ूं, मुझे 31 साल के इल्मी सफर की कसम है आफ्ताब शाह, सबसे बड़ा कद है अब्बास का, सबसे छोटी कब्र है अब्बास। अदर शाह क्यों बह गया महीने से उसने, चाचा जी हम दुआ तो मंगो ना सिर वास्ते, हम मातम जो करते पे हो, हम दुआ दुआ मंगते सही मौसम से, हम दुआ जिड़ी को दुआ रुकी हूँ हाथ चाह तो सही आ रहे प्यास, हम दुआ ना आप अपने वास्ते क्यों नहीं मंगता हूँ मातम करके जी बुजुर्गो, शाम तक मातम करते रहे हो, करबला गए हो, शाम गए हो, मातमी हो, तलवार का मातम करते हो, मेरी तस्दीक कर जे असल कबर थले इंजी है ना, असल कबर नीचे है ऊपर रोजा है। मैं शाम बीबी की नगरी में पढ़ रहा था, बीबी के घर खड़ा हुआ था, अल्लामा ताहिर अली के बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने कहा शौकत हुजम बता कितनी कब्र है गाजी की, मैंने कहा मुझे नहीं पता, उसने कहा कल किताब, जितनी ये किताब है ना, थोड़ा बंदा कोई बहुत अमीर घर का बच्चा है जिदा हाथ नहीं उठाया, 32 साल के अब्बास की इतनी कब्र है जितनी 2 दिन के बच्चे की होती है, 32 साल के अब्बास की इतनी कब्र, ओ सिपाही अब्बास तुम पे वाजिब हो गया, तुम गाजी के नौकर हो, तुम हाथ मार रहे अगले जुमले पे, अल्लामा महदी बहरुल उलूम वो आलिम है जिसने 25 अशरे पढ़े हैं कब्र हुसैन पे, इसे ख्वाब में गाजी ने हुक्म दिया था महदी मेरी कब्र की तरफ पानी आ रहा है, सकीना के बाद मुझे पानी अच्छा लगता, असगर के बाद मुझे पानी अच्छा लगता, जा पानी का रुख तब्दील कर, 4 शिया मजदूर लेके अल्लामा नीचे कब्र पे उतरे, इतनी छोटी कब्र देखी चीख निकल गई शियों मजदूरों की, उन्होंने कहा मादी तूने पिछले अशरे में कहेगा जी घोड़े पे बैठता था उसके पांव जमीन में लगते थे, जब इतना कद था इतनी छोटी कब्र क्यों है, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ वो बंदा बतूल से माफी मांगेगा जो हाथ ना मार सके, महदी ने अमामा सर से उतार के कहा जितना सज्जाद को मिला है यही हक था, यही हक था इस जुमले का, ओ मातमी सिपाही अब्बास के यही हक था इस जुमले पे मातम करने का जैसे तुम कर रहे हो, शाबाश। मुंतजर अब जो दुआ मेरे जिम्मे लगाई है ना तूने, मैं तुझे बड़ा भाई बन के कह रहा हूं अगले जुमले पे तूने दोनों हाथ से मातम करना है और ये दुआ तूने खुद मांगनी है, पढ़ा जाता है मिंबरों पे, उल्फिजा एक मिनट मैंने देखी, पढ़ा जाता है मिंबरों पे कि अब्बास ने कहा था मौला मेरा लाशा खैमे ना ले जाना, मुझे सकीना से शर्म आती है, गाजी की कसम मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, जो जाकिर पढ़ते उन्होंने पढ़ा होगा, इम्तियाज शाही आलम पे हाथ है, मैंने नहीं पढ़ा, फिर अब्बास की लाश क्यों नहीं आई, आ रख मेरे सर पे कुरान, इतना मारा है मुसलमानों ने गाजी को, पढ़ते हैं शाह जी, हाँ इंतखाब शाह देना इजाजत, पढ़ते हैं ये हालत में एक बुजुर्ग की किवें पढ़ते हैं, इतना मारा है मुसलमानों ने अब्बास को, दाया बाजू कटा कहा कबर का सदका, बाया कटा कहा असगर का सदका, किसी कुत्ते ने गाजी की आंख में तीर मारा, अब्बास के हाथ थे नहीं तीर निकालने के लिए, गाजी ने सर को झटका दिया, गाजी का मामा जमीन पे गिरा, दोनों घुटनों में तीर फंसा के अब्बास दांतों से तीर निकाल रहा था, इस कुत्ते हकीम इब्ने तुफैल ने गाजी के सर पे गुर्द मारा, अब्बास का सर 2 हिस्सों में तकसीम, क्या लगता है वो गाजी का किस बात का है, वो शिया जिसके पास हाथ भी था और मातम नहीं कर सका, मातम है हुसैन, मातम है हुसैन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हसनैन साहब ए सिर थले कर लै, मैंने माफ करी, मैंने रोकी ना, गाजी का वास्ते मैं 2 मिनट होर पढ़ने आया, एक कुरान का नाम नहीं पुत्र नाराज रहो मातमी बच्चे हो, 1 मिनट अगर हौसला करो मैं 2 मिनट होर पढ़ना है, पुत्र जीवन चाचा तेरे, नस्ल जीवे बुजुर्ग तेरी, मातमिया के पुत्र जीवन, एक गल मैं होर करनी है इन्हों धियां वास्ते, इन्हों भैन वास्ते, मैं एक जुमला पढ़ना तो खत्म हो गई मेरी महिले, 1 मिनट मैंने होर पढ़न दिया जे, हकीम इब्ने तुफैल ने गुर्द मारा,
अब्बास का सर दरमियान से दो हो गया, गाजी का दिमाग निकल के शानों पे आ गिरा। अब्बास जा रहा था खेमे की तरफ, सनान इब्न अनस ने तीर मारा जो मश्क में जा लगा, पानी बह गया। पानी बहने की देर थी, अब्बास मर गया। गाजी की जिंदगी खत्म हो गई। घोड़े की बाहों में, घोड़े के गले में दोनों बाहें डाल के अब्बास कहता, मुझे इतना दूर ले जा मेरी हुसैन से मुलाकात न हो, मुझसे गरीब हुसैन नहीं देखा जाता। अब जो न कर सके मातम वो माफी मांग ले। इधर घोड़ा चला नजफ की तरफ, उधर खैमे से हुसैन की आवाज आई, गाजी का घोड़ा और दूर न ले जा, मैं बूढ़ा हो गया, ओ मेरी कमर टूट गई, ओ मुझसे चला नहीं, मातम मातम जो नहीं कर सकते वो सर झुका लो, जो कर सकते हो वो कर बड़ा बना दो। आए हुसैन शाबाश, यही हक है, यही हक है मौला मौला कह के रोने का, यही हक है। ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा पुत्र जवानी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कोई करबला है ना यार, ये मदीना है, ये गुजरात है, ये गाजी का रोजा है, ये शाम का बाजार है, ये कूफा की गलियां हैं, ये क्या क्या मजमा है यार, ये क्या माहौल है। मुझे लगता है गाजी की माँ आ गई है, मुझे लगता है गाजी की अम्मा हाथ पहलू पे रख के मजलिस। हाय हुसैन, हाय हुसैन, आधा मिनट और, आधा मिनट और, कोई पता नहीं जिंदगी केड़े मोड़ ते मुक जाए। ए वास्ता ही गाजी, गाजी दा आदर वास्ता, जे मैनू एक जुमला और पढ़न दियो। जी जी जी, हौसला करो, हौसला करो, जब तक मैं ना कहूँ अलम ना लाना वास्ता अलम, अलम वाले का, जब तक मैं ना कहूँ एक लफ्ज मुझे और पढ़ने देना। अल्लाह अकबर, हाथ कट गए, सर फट गया, दिमाग शानों पे आ गिरा, आंखों में तीर लग गए। आफ्ताब पढ़ा, पढ़ा कुरान की कसम है, जब मैं लिखा आफ्ताब तो तू मर जाएगा। अल्लामा सलामत अली दपीर सरकार अनीस के दौर का शायर है। दपीर फरमाते, किस मुंह से कोई आह ये तकरीर निकाले, एक आंख से शब्बीर ने दस तीर निकाले। कोई यार पत्थर दा बनया शिया नहीं, मोहसिन शाह कोई पत्थर दा बनया बंदा नहीं, जेदे इस जुमले ते दिल नहीं कीता मातम करन नूं। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, एक आंख से शब्बीर ने। अल्लाह अकबर, एक मिनट तो हौसला कर, एक मिनट तो हौसला कर, एक मिनट तो हौसला कर, गाजी का वास्ता एक मिनट तो हौसला ले। एक आंख से शब्बीर ने, क्या हाल हो गया तेरा, एक आंख से शब्बीर ने दस तीर निकाले। जीन से उतरा गाजी, कुत्ते शमर ने ऐलान किया, जिसने अली से जो बदला लेना हो। अली का बेटा उतर गया, दस लाख ने इतना मारा अब्बास को, इतना मारा अब्बास को, जुल्फी शाह मेरा इतने साम अपने मैं झूठे झूठ बोला, जरा न कर सके मातम वो थक गया है। सात मरतबा कोशिश की हुसैन ने, अब्बास की लाश उठाऊ मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया, हुसैन हाथ लगाता गया कीमा बन गया था, गाजी की लाश के टुकड़े हो गए थे। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया, हुसैन हाथ, जी जी सैयद, जी सैयद, अद्दा में दौर में पढ़ दो गाजी का वास्ता जे। बाबा मैं एक जुमला पढ़ने इन धिया वास्ते, इन बेटियां वास्ते, सैयद मेरी इजाजत दे, इन बिठाओ सैयद, गाजी का वास्ता जे इन बिठाओ, मैंने इन धिया वास्ते अद्दा में दौर पढ़न दो। गाजी की लाश वहीं छोड़ी, मश्क उठाई हुसैन ने, अलम उठाया हुसैन ने, हुसैन खेमे आए, अली की बेटी की निगाहें पड़ी। जिंदगी में पहली बार हुसैन की आंखों में आंखें डाल के अली की बेटी ने कहा, नौकर समझ के छोड़ आया, हाय हाय हाय। ओए इस जुमले वास्ते तो मैं मजलिस पड़ी है यार, इस जुमले के लिए तो मजलिस पड़ी है मैंने। जैन अपने हुसैन की आंखों में आंखें, हाथ रो किसका, हाथ रो किसका, जैनब ने हुसैन की आंखों, रोक उसको, रोक उसको, रोक उसको। जैनब ने हुसैन की आंखों में आंखें डाल के कहा,
नौकर समझ के रोक बेटा इसका हाथ, नौकर समझ के छोड़ आयो, अकबर ले आयो, कासिम ले आयो, गाजी छोड़ आयो। हुसैन देखा ज़ैनब मजबूरी थी, कासिम इस काबिल था के चादर में डाल के ले आऊ, अब्बास इस काबिल भी नहीं था। हुसैन बहन को बता रहे थे, 4 साल की बेटी दाखिल हुई, बच्ची ने कहा आलम आ गया, आलमदार नहीं आया, मश्क आ गई, माशकी नहीं आया, आप आ गए, अम्मू नहीं आया। हुसैन ने महसूस किया अगर मैंने बेटी को बताया ना, तेरा चाचा इतना जख्मी है, मेरी बेटी मर जाएगी, और मेरियां धियां मैं तो आने से ना वैन करने लगा। हुसैन ने पास बेटा आखिरी जुमला आलम ले आना, इसी जुमले पे आलम ले आना, जनाजा ले आना गाजी का। हुसैन ने बेटी की तरफ देखेगा, सकीना मेरी मजबूरी है, मैं 56 साल का बूढ़ा हूँ, तेरा चाचा 32 साल का जवान है, मुझसे तेरे चाचा की लाश नहीं उठती, मैं कह छोड़े है, तू सुन छोड़े है। बच्ची ने सर से चादर उतारी, चादर उतार के कमर के साथ बांधी, कमर के साथ बांध के बच्ची खेमे के दर पे गई, बच्ची ने आवाज दी, अम्मा ज़ैनब, अम्मा कलसूम, अम्मा रुकैया, अम्मा लैला, अम्मा फरवा, दादी फिजा, बहन कुबरा, अपने अपने बुरके उठाओ और मेरे साथ मैदान चलो, और मेरा बाबा बूढ़ा मातम ले आओ, और मेरा बाबा बूढ़ा हो गया, और मेरे बाबा से लाशा नहीं उठता, और मेरा वफादार चाचा, और मेरी माँ की चादर का निगरान, और मेरी माँ का जामिन, और मेरे बाप की जिंदगी, और मेरी प्यास का जामिन। Thank you.